तेज रफ्तार अब क्या क्या नज़ारे दिखाएगी कहा नहीं जा सकता। कल देर रात फिर से एक हादसे में बस और बैलगाड़ी की टक्कर में बस में ज़बरदस्त आग लग गई और देखते ही देखते बस बर्निंग बस बन गई। हादसा पेश आया है अफजलगढ़ में, जहां पर एक रोडवेज बस ने एक बैलगाड़ी को टक्कर मार दी। इधर ये हादसा हुआ और रोडवेज बस के पीछे तेज गति से चल रही एक प्राइवेट बस रोडवेज बस से जा भिड़ी, जिससे बस कंट्रोल से बाहर हो गई और एक गड्ढे में गिर गई और बस में आग लग गई। रोडवेज बस जसपुर से अफजलगढ़ की ओर आ रही थी और सामने से बैलगाड़ी आ रही थी। बताया जा रहा है कि हादसे में बैलगाड़ी के मालिक चिकरीवाला का रहने वाला गणेश सिंह और बस में सवार पंजाब का रहने वाला अर्शदीप जख्मी हो गए हैं। प्राइवेट बस में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है, क्योंकि बस में आग लगते ही सभी सवारियां नीचे उतर गई थीं और बस आग की लपटों में घिर गई थी। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अच्छा, इसकी जो है इसकी नहीं लगी गाड़ी, रोडवेज की लगी उसमें। अच्छा, बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी थी रॉन्ग साइड, जैसे उसमें लगी झाड़ से। अब ये इसके पीछे थी, उसकी भी इसकी बजाया और गड्ढे में ले गया, इसमें ना लगने की वजह से। आज शाम को लगभग 8:30 बजे अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में एक रोडवेज की बस जो है वो जा रही थी, एक भैंसाबुड्डी सामने आई, उसे बचाने के चक्कर में वो एक प्राइवेट बस से टकरा गई। इसमें जो प्राइवेट बस है उसमें आग लग गई थी, एक व्यक्ति इसमें घायल हुआ था, उसे तत्काल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। आग पर भी फायर ब्रिगेड ने नियंत्रण कर लिया है, स्थिति इस समय बिल्कुल कंट्रोल में है और सभी लोग अपने जा चुके हैं।